जैस्मिन पर अब रहेगी फतेह की नजर। पूरी तरीके से देखेगा कि आखिर क्या कर रही है जैस्मिन। आप सबने देखा कि किस तरीके से जो जैस्मिन है उसने तेजो को बुरी तरीके से डराया, इतना डराया कि तेजो जो है वो अपना आपा खो बैठी और वो बुरी तरीके से बेहोश हुई, जिसके बाद यहाँ फतेह जो है वो खरी खोटी सुनाता नजर आया जैस्मिन को। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और उडारिया में। अब आप बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न देखने वाले हैं, जहाँ पर जैस्मिन का जल्द ही भंडाफोड़ होने वाला है, तो वहीं पर तेजो की याददाश्त तो वापस आने वाली है और साथ ही साथ फतेह को जो है वो पूरी तरीके से जैस्मिन पर शक होने वाला है। आप सबने देखा ही कि किस तरीके से जैस्मिन ने तेजो को मारने की कोशिश की है। अब वो ये कोशिश दोबारा नहीं कर पाएगी क्योंकि फतेह ने एक फैसला ले लिया है और वो तेजो को वर्क हाउस लेकर जाने वाला है। यहाँ पर जो फतेह है वो जैस्मिन पर बुरी तरीके से चिल्लाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो आग से डरती है। और इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है, यानी कि जो तेजो की माँ है, वो कहती है कि मैंने तुझे बोला था ना जैस्मिन कि टॉर्च लेकर जा, लेकिन जैस्मिन टॉर्च लेकर तो नहीं जाती है, बल्कि जैस्मिन जो है वो मोमबत्ती लेकर जाती है और उसे आग से पूरी तरीके से डराती है। और यहाँ जैस्मिन का ये रूप देखकर फतेह को शक तो पूरी तरीके से हो जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि जल्द ही जो जैस्मिन है उस पर शक होने वाला है फतेह को, तो बस यहाँ पर वो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि पहले भी फतेह ये चीज़ देख रहा है कि तेजो के आने से जैस्मिन ज़रा भी खुश नहीं है। तो बस अब इसकी चीज़ों को ध्यान देगा, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और फिर यहाँ पर आप सब देखते हैं कि काफ़ी तेज़ चिल्लाता है जो फतेह है, वो जैस्मिन पर बहुत तेज़ चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था तब भी तुमने ये सब कुछ किया। तो यहाँ जो जैस्मिन है उसकी बोलती बंद होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये जैस्मिन है और ये सब जानती है कि उसको कैसे इस चीज़ से निपटना है। तो बस अब यहाँ पर वो कुछ कोशिश कर रही है बोलने की, लेकिन अब वो करेगी भी क्या। एक तरीके से रंगे हाथों जो है वो फतेह ने उसे पकड़ा है और ये भी जो है वो बड़ी बात है। और इसके बाद अब फतेह की पूरी नज़र जो है वो जैस्मिन पर रहने वाली है। जैस्मिन किस तरीके से क्या कुछ करने वाली है वो सब कुछ आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो फतेह है वो जैस्मिन की एक एक हरकतों पर उसका काट करता नज़र आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो तेजो है उसको मारने की कोशिश की है जैस्मिन ने, जिसके बाद बचा लिया है फतेह ने। और ये चीज़ जो है वो अविराज की शादी के टाइम हुआ है, ये भी हमने आपको बताया था। तो इस तरीके से बहुत से सिचुएशंस आप सबको देखने को मिलने वाले हैं जहां पर जैस्मिन अपने ही इरादों में फेल होती नज़र आएगी। उसे लगेगा वो जीत रही है लेकिन वो हर पल हार रही है। और यहां जब फतेह को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जैस्मिन जो है वो हमेशा से ही घिनौनी चाल चलती थी, और वो समझ जाएगा कि जो जैस्मिन है वो इतनी गिर सकती है कि अपनी बहन को मारने की कोशिश कर सकती है, तो बाद में भी जो है उसे बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। यानी कि जैस्मिन ने ही तेजो को मारा, शुरू से उसने ये प्लान किया था अंगद के साथ मिलकर। अंगद का जो दूसरा पार्टनर है वो जैस्मिन ही रही है। ये सारी बातें जो है जब फतेह को पता चलेंगी, इसके बाद जैस्मिन को मिलेगी कड़ी से कड़ी सज़ा और वो ये सब देगा फतेह। वेल, अभी फतेह और तेजो की क्यूट सी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। फैंस को ये क्यूट केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है, भले ही तेजो की भी मानसिक हालत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी फैंस इस बात से तसल्ली में है कि फतेह और तेजो साथ है। फिलहाल जैस्मिन पर होगी पूरी तरीके से फतेह की नज़र। इस पर आप सब क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।